सबको जय जवाहर। हमारे संचालक महोदय का जो एक लहजा, हमने कई कार्यक्रम अटेंड किए, कई प्रकार के संचालक देखे, लेकिन आज एक संचालक महोदय का अगर कोई किसी को नींद भी लग गई हो, किसी को थकान भी हो गई हो, उसके उस उद्बोधन से वो नींद और वो थकान खत्म हो जाएगी, ऐसा लगा मुझे। एक बार संचालक महोदय के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज इसी बीच में हमारे साथी हम आनंदपुरी से थोड़ा सा चलते हुए साथ साथ में आ रहे थे, हमारे थावरचंद जी दरियाबंद विधानसभा प्रत्याशी, जो कमल कांग्रेस को एक लोहा दिखाया कि लोहा मनाया, लोहा दिखाया, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, चार राज्य से हमारे आदिवासी समुदाय के बिल समूह से, इसके अलावा भी शायद कुछ अन्य समूह से, हो सकता है मध्य प्रदेश में बिलाला हो या फिर कोई संथाल से भी आया हो, इन सभी का इस कार्यक्रम में इस मानगढ़ की धरती पे स्वागत अभिनंदन। मैं इस अवसर पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम सब दिल की गहराई से, सच्चे मन से 1913 के अंदर जो मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ था, हमारे 1500 आदिवासी, ये रिकॉर्डली हमने किताबों में सुना, हम लोग पढ़ा है, 1500 से अधिक हमारे पूर्वज, इसमें हमारी माताएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारे समाज का खून बहा था, हमारे समाज के हमारे पूर्वजों का एक खून बहा था, मतलब 1500 से अधिक अगर लोग मरते हैं, इनका बारूद गोलियों से, तोपों से इनको उड़ा दिया गया था, तो इस पहाड़ी का क्या दृश्य होगा, आसपास के इलाके का क्या दृश्य होगा, इन चार राज्यों के आसपास जो लोग थे हमारे, उस समय ये अलग अलग राज्य नहीं थे, उस समय की पूरा हमारे पूर्वज एक बिलखंड के नाम से जानते थे। आज तक हमने किताबों में पढ़ा कि मानगढ़ पे भक्ति आंदोलन हो रहा था, मानगढ़ पे नशा मुक्ति को लेके गोविंद गुरु आंदोलन कर रहे थे और उनपे गोलियां चलाई। क्या देश के इतिहास में नशा मुक्ति को लेके कोई आंदोलन कर रहा हो और गोलियां चलाई, ऐसा आज तक हमने पढ़ा कहीं? नशा मुक्ति को लेके आंदोलन कर रहे थे और गोलियां चलाई, ये ऐसा कभी हुआ है? क्या सिर्फ भक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनपे गोलियां चलाई और 1500 से अधिक आदिवासी मारे, ऐसा हो सकता है? भक्ति के माध्यम से, शांति के माध्यम से समाज को एकजुट करके उस समय भी एक ही मांग थी कि हमारा बिल प्रदेश एक अलग प्रांत बना दिया जाए, और वही मांग, उसी मांग को लेंगे आज ये हमारा समाज एकजुट हुआ है। और आज वर्तमान में मैं किसी संगठन पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई लोग कई तरह का यहाँ पर अशुद्धिकरण करके गए। हमारा समाज इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना मेहनती है, हमारा समाज बहुत भोला है, बहुत सीधा है और बहुत मेहनती है, और इन्हीं बातों का आज तक इन लोगों ने फायदा उठाया। मैं इस अवसर पे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कहा कि भोला समाज है हमारा, बहकाव में जल्दी आ जाता है। अभी हमारे जयपुर से आए हीरा मैडम ने बताया, आबागढ़ का हवाला दिया। आबागढ़ में क्या हुआ था, ये जो मानगढ़ के ऊपर कुछ दिन पहले ये जो भगवा झंडा वाला करके गए, ये पहला घटनाक्रम नहीं है। हमारे सलोंगर से भाई आए होंगे, सुनार माता पे भी उन्होंने वो किया, उस समय भी हमारे भाइयों के मुकदमे हुए,
आवागढ़ के ऊपर भी वही चीज हुआ, और वो बात आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमने चार दिन पहले एक बेहरूपीय बाबा का वीडियो देखा। इस बेहरूपीय बाबा के चक्कर में हमारे प्रतापगढ़ के भाई और उदयपुर के भाई ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं सब सर पे। क्या देखा कि एक कमरे में दो बड़े लीडर आपस में लड़ रहे हैं और वो एहसास करा रहे हैं, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से आदिवासी भाई बाहर खड़े, उनको अंदर लाया जाए, और हमारे यहाँ के बोले बाले समाज के लोग, हमारे बोले बाले युवा स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि आबागढ़ पे उन्होंने ही बेरूपीय बाबा ने दिया स्टेटमेंट। क्या दिया है कि मैं तो वहां से इसलिए निकल गया कि आबागढ़ के ऊपर जो नक्सलाइट लोग वो हमारा भगवा झंडा को अपमानित कर रहे थे, ऐसे लोग वहां आ गए थे, इसलिए मैं निकल गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप सबने? पढ़ा। मतलब चार दिन पहले हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया कि मैं आदिवासी समाज के लिए लड़ रहा हूं, और आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं उस पार्टी कार्यालय से इसलिए निकल गया क्योंकि वहां पर आबागढ़ पे हमारा भगवा झंडा अपमानित कर रहे थे, ऐसे लोग वहां पर आए थे, इसलिए निकल गया। ये बात इस अवसर पे बताना इसलिए मैं जरूरी समझा। मैंने पहले ही बता दिया हमारा समाज बहुत जल्दी बहका में आ जाता है, बहुत भोला समाज है, सीधा समाज है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है, और उसी बात का आज तक इन लोगों ने फायदा उठाया है। आज हमारा जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए, हम यहाँ पर आए कई गतिविधियां कर रहे हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई अंदर जो लगे हुए हैं म्यूजियम टाइप वो देख रहा है, कोई इस पहाड़ी को देख रहा है, कोई सब मिलजुल रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? पूरे देश में एक मैसेज पहुंचाना है कि बिल प्रदेश की मांग पुरखों से चली आ रही है, गोविंद गुरु के समय से चली आ रही है, उस बिल प्रदेश को असार्थक किया जाए। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए, हमारा उद्देश्य क्या है ये जानना पड़ेगा। यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की, मैं बोल रहा हूँ आने वाले वक्ता भी बोलेंगे, लेकिन सबको अपने मन में ठान के जाना है कि हम जिस उद्देश्य से के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये उद्देश्य और ये काम एक दो बार में पूरा नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें चारों राज्यों के अंदर भिन्न समूह है उन सभी में घर घर पे एक ज्वाला उत्पन्न करनी पड़ेगी, सभी के मन में एक एक ललक जगानी पड़ेगी कि हमें हमारा राज्य चाहिए। आजादी से पहले, आजादी के बाद और भी गुलामी जैसा महसूस हुआ हमारे बिलों को। बिलों को चार भागों में डिवाइड कर दिया। अगर आज हम देखते हैं राजस्थान से लगभग शायद कोई बिल राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने नहीं भेजा, और अगर हमारा बिल प्रदेश होता तो कितने आदिवासी हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने भेज जाते। आज हम लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन समाज को खत्म कर रहा है, जो संगठन हमारे आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व खत्म कर रहा है, हम चुनाव में उन्हीं का झंडा पकड़ के जाके खड़ा रह रहे हैं। मतलब कैसे काम कर रहे हैं हम लोग? कभी कभी दुख होता है कि जो भाई रात दिन गुजरात में 10-10 मंजिला लटक के फास्टर करता है और बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को डिग्री कराने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, वो मां होती है उसके जेवरात गिरवी रखती है बच्चों को डिग्री कराने, लेकिन जो संगठन, जो पार्टी हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, जो पार्टी हमारे उस बच्चे का गला घोट रही है, ऐसी पार्टी को हमारे गुजरात से भाई वापस आके झंडा पकड़ता है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी समाज की बात को आगे पहुंचाना है। इस भारत देश में सभी जगह आदिवासी रहते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस की पहली छुट्टी राजस्थान में हुई, हमारे जयेश के भाई आए, उन भाइयों को कहना चाहता हूं मैं, जयेश के मैंने बहुत कार्यक्रम देखे, आज भी देखा मैंने, आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास बहुत जनबल है, लेकिन आप चुनाव के समय
जो आपका अस्तित्व खत्म कर रहा है उन्हीं का झंडा पकड़ लेते हो। क्या इस सबक लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर इसमें सुधारा नहीं करते हो तो हमारा आज यहां पर आना सार्थक नहीं होगा। क्योंकि आज मैंने बताया कि राजस्थान में पहला राजकीय अवकाश हुआ विश्व आदिवासी दिवस 1996 से विश्व आदिवासी दिवस घोषित थे। शायद ये महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, गुजरात में भी नहीं हुआ, विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश अब तक शायद नहीं हुआ। तो राजस्थान में पहली बार क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान की जनता ने, डूंगरपुर की जनता ने, चौरासी और सागवाड़े की जनता ने दो विधायक चुन के भेजे और ये बात हम यहाँ पर 1,00,000 लोग इकट्ठे होकर मैसेज पहुंचाएंगे। और आप अगर 10 विधायक चुन के भेज दोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें जो उनकी हमारी जो मेन समस्या का समाधान कहा है, उस समस्या के समाधान तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हमें हर जगह एकजुट होना पड़ेगा। हमारे घर की लड़ाई, हमारे परिवार की लड़ाई, हमारे सरपंच की लड़ाई, हमारे विधायक की लड़ाई वो क्षेत्र में लड़ते रहना, लेकिन यहाँ समाज की बात आएगी, बिल प्रदेश की बात आएगी, तब एकजुट होके एक साथ रहना। क्योंकि घर घर में लड़ाई होती है, परिवार परिवार में होती है, हमारा समाज इन चीजों में बिखरता जा रहा है। इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा कि आज कई महिलाएं भी हमारे पैदल चढ़ के आई। मैंने हमारे बड़िलों से सुना था कि गोविंद गुरु हमारे बासिया में, तो बासिया में रहते थे तब यहाँ मानगढ़ आते थे, तो मानगढ़ आते थे उस समय इनके साथ में रहने वाले पहला बे भाई था, होना कुमार साहब, कलजी और भेमा बे भाई था। तो उस समय राजा रजवाड़ा ने दोनों भाइयों को एक शायद सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, मतलब दो टाइम थाने में उपस्थिति साइन करा पड़ेगा एक काम अजू तो, ताकि या कि फ्री नहीं रही तो जन जागरण नो काम नहीं कर सकेंगे। उस समय तात्कालिक पुलिस ने क्या किया था कि एक सुबह जाए थाना मजरी आलवी है और एक हाजी जाए थाना मजरी आलवी है, तेई में भाई रात्रि में आता अन्य गोविंद गुरु थे कि मरता आनंद सहयोग आता और बेल्ला साइन 4 बजे उठी थाना में हमारे साइन में दंबोड़स तो तारे दंबोड़ा थाना में साइन है साइन करता और साइन करीन पूरे दाड़ा पालम फरता जन जागरण को काम करता और हाजी पासा थाना में साइन शान करता आज से किए नहीं कहता घेरो सता है और फिर वहां से पैदल चल के यहाँ मानगढ़ आते थे। मानगढ़ आके सूचना देते कि आज इस पावा में इस गांव में हमने ये जन जागरण किया और सुबहला 4 बजे उठी पासा साइन थाना नजरी आता। इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी तो आज मुझे भी वहां से पैदल चल के आए तो उनकी याद आई और लगा कि भले पैदल चल के आए लेकिन उनके संघर्ष के इतिहास को कई छोटा सा अंश हम भी दोहरा रहे और ये भी दोहराएंगे, पसीना नहीं बहाएंगे तो ऐसे ही बिल प्रदेश नहीं बनेगा। लेकिन दुख ये हुआ कि थोड़े हमारे बुजुर्ग साथ में तो बेचारे वो गाड़ी में ही रह गए, उस बात का थोड़ा दुख। इस अवसर पे सभी को मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जितने वक्ता जो जो बात बोल रहे हैं इन बातों को अमल में लाना है, सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद अपने गांवों में, अपने फलों में, अपने परिवार में इन बातों को पहुंचाना है, तो ही हमारा ये समाज एकजुट होगा और देश के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमारे समाज अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इन संगठनों में, इन पार्टियों के झंडे झंडे छोड़ने पड़ेंगे, हमें समाज को एकजुट करना पड़ेगा। आज कई ग्रुपों में चल रहा था कुछ संगठन बीटीपी के झंडे लेके आ रहे हैं, मैं इस वक्त पे बता दूंगा, शायद हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा कि हमारा समाज सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। और इस इलाके में
आदिवासी परिवार ने काम किया, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने काम किया, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने काम किया है। बीटीपी को लाए थे हम, चुनाव जरूर लड़े लेकिन सब तो पे लाए थे, और वो भी कांग्रेस बीजेपी की तरह करने लग गई। आज चोर इसके अंदर घुस जाएंगे तो हम झंडा पकड़ के थोड़ी घूमेंगे, उनको भी एहसास कराना है कि आदिवासी समाज समझ चुका है, आदिवासी समाज के लिए पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एक ही मैसेज पहुंचाना सभी जगह कि पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है और हमारा मत महत्वपूर्ण है, ये मैसेज पहुंचाना है। इन चीजों को निकालना है क्योंकि हमें हमारे उद्देश्य तक जाना है, हमारा जो मकसद है हमारे समाज का भला करना है तो हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। संगठन और पार्टियों में बढ़ जाएंगे तो हमारे कई भाई अनजाने में आ गए होंगे और कई भाई खुराबाजी करके आ गए होंगे झंडा लगा के, उनसे निवेदन है कि ऐसी हरकतें हमें नहीं करें। अंत में सभी भाइयों को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल।